अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रीना चौधरी। नो पी गाइस आर डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स। आज थर्सडे है और अब्बू चले गए गांव और मम्मी ने उनकी रात ही को पैकिंग कर दी थी ताकि सुबह उनको जाते जाते लेट ना हो, लेकिन फिर भी उनको जाते जाते 5 बज गए और अब्बू पूरी रात नहीं सोए। तो 5 बजे थे और हम लोग जब सो रहे थे तब अब्बू निकल गए थे। और 5 बजे क्या होता है, फजर की अजान, फजर की नमाज़। तो जाते जाते अब्बू ने नमाज़ भी पढ़ ली और अब्बू के साथ साथ फलक और हमज़ा भी उठ गए थे। हम लोग चाह रहे थे कि फलक और हमज़ा ना उठें क्योंकि फिर वो रोएंगे, बट फिर वैसा ही हुआ जो हमें नहीं चाहिए था। फिर अब्बू ने अपनी एलर्जी की दवाई भी ले ली और वक्त आ गया उनका निकलने का। तो फिर वो चले गए और पीछे से हमज़ा ने इतना रोया कि जब तक मैं स्कूल जाती ना वो तब तक रो ही रहा था। और फलक तो अब्बू पहुंच गए, बस यही कर रही थी। और अब्बू ने जम्मू की इतनी कोई क्लिप्स ली नहीं थी, लेकिन जब वो गांव जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी ली थी। तो बस मैंने उनको वही किया, बोला था कि आप मुझे भेज देना, तो उन्होंने मुझे भेज दी थी कुछ क्लिप्स। ये जम्मू की नहीं है, ये हमारे गाँव के पीछे एक जगह है, वहाँ की है। तो और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, पता है मुझे किया नहीं हुआ, पूछने का कोई मतलब भी नहीं है, तो जल्दी से कर दो। लाइक भी नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, शेयर भी नहीं किया है तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़न, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कर दो। और फिर अब्बू पहुंच गए गांव। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारा गांव कैसा है। अब्बू गांव पहुंच गए थे और उन्होंने वहाँ से मुझे क्लिप भेजी थी। हमारे घर के आगे का है, यहाँ पे हमारे राइस की जो है ना खेती है, यहाँ पे फार्म, और ये हमारे घर का आरू का पेड़ है। एंड यहाँ ये हमारा गार्डन है और यहाँ से ही हमारे नानू का घर भी दिखता है। ये आगे जो आपको रेड दिख रहा है ना, रेड, वो हमारे नानू का घर यहीं से दिखता है। और हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा हरियाली है क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जून जुलाई में बारिश होती है, ठंड भी होती है, लेकिन हरियाली यहाँ पे अच्छी खासी होती है, ग्रीनरी। अब्बू थर्सडे को निकले थे और हमें बाकी 3 दिन जो छीना छुट्टी थी स्कूल की। तो अभी हम लोग शाम होती है और अभी हम लोग जा रहे थे कहीं सामान लेने के लिए मम्मी के साथ। और यहाँ पे इतनी बारिश है ना कि आगे से हम लोगों को ना बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े बड़े वहाँ पे खड्डे हैं तो उसके अंदर जो है ना पानी भर गया है। और यहाँ रात को फलक को मूड चढ़िया जाके मस्ती करनी है तो बस वही कर रहे थे। आंटी मार रही है मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम आंटी, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है? खाना चाना बना लिया? क्या बनाया है? मरने के बाद तेरे तेरे अच्छा किधर गए थे आप? कपड़े ले। अच्छा क्या, कौन से कपड़े लेके आई हो? ये कपड़े। हाँ तो ये बाजार में से पहन के आए हो? हाँ। और ये क्या ग्लास में? ये दूध है। तो दूध का क्या करोगे, मुझे चाय बना के दोगे? नहीं, मैं बच्चे को धूप में आई हूँ। अच्छा बच्चा, तेरा बच्चा भी है? अच्छा खाने में क्या है? रोटी खा लो। क्या बना है? सब्जी। सब्जी के लिए इतना जोर से चिल्ला रही है, मैं नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ नीचे गार्डन में ना बफेलोज ही बफेलोज हैं, सेम टू सेम हमारे गांव की फीलिंग आ रही है। सब आराम से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बैठी हुई है कीचड़ में,
और उधर क्रिकेट खेल रहे हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और हम भी अपना अपना कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे हैं। ये बफेलोस के तो मज़े ना इनके स्कूल, ना ट्यूशन, ना पढ़ाई, ना घर का काम, बस इधर उधर घूमते रहो, है ना। ये देखो इतनी सारी बफेलोस हैं। हाँ ये पूरा इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतने सारे चॉल्स हैं, देखो ये सब सारे चॉल्स हैं सामने। और बस अभी मैं घर का काम कर रही हूँ सुबह से, और अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग वो काम ख़त्म कर लेते हैं, उससे बाद में मिलती हूँ। आज सैटरडे है और मैं और सदफ गए थे ट्यूशन, क्योंकि अब बाकी डेज हमारा स्कूल होता है, हमें टाइम नहीं मिलता। और हम जहाँ पे हम लोग ट्यूशन जाते हैं उनकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए वो अभी उसकी ऐसी हालत हो रही है। और बाकी डेज हम लोग का स्कूल है तो हमें टाइम नहीं मिलता ट्यूशन आने का, तो हम लोग सिर्फ फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ही आ पाते हैं। अब हो चुका था मंडे, मैं जा चुकी थी स्कूल और पीछे से मम्मी हमजा और फलक उठ चुके थे। मम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी और उनके साथ फलक और हमजा भी उठ गए। हमजा उठा पहले और फिर फलक भी उठ गई, एंड देन उनको भूख लगी तो उन्होंने खाया अनार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। नीचे सदफ सोई हुई है क्योंकि मैं चले गई थी स्कूल। स्कूल जाने के टाइम में हर एक चीज़ भूलते हैं। फिर मम्मी ने मुझे मेरे क्लिप्स दे दिए, फिर मैंने उनको लाफज़ बोल के चले गई स्कूल। और फिर मम्मी ने जब किटी को खाना खाना दिया खाना वाना, तो फिर उन्होंने देखा कि किटी सो रही है, एंड फिर से किटी से मैं कर रही हूँ व्लॉग एंड। होप यू लाइक दिस व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, लाइक शेयर कॉमेंट तो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।